हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद सोहिल और आज हम देखेंगे डोसेज फॉर्म ऑफ ड्रग का पार्ट टू। इन पार्ट वन हमने देखा था इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म। नाउ इन पार्ट टू हम कवर करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म विद देयर एग्जांपल्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्टेड। इन क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म हमने देखा था देयर आर फोर क्लासेस, सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड एंड अदर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कवर करेंगे सॉलिड डोसेज फॉर्म। सॉलिड डोसेज फॉर्म आर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, यूनिट सॉलिड डोसेज फॉर्म एंड बल्क सॉलिड डोसेज फॉर्म। यूनिट सॉलिड डोसेज फॉर्म में होते हैं टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर एंड पिल्स, एंड बल्क सॉलिड डोसेज फॉर्म में होते हैं डस्टिंग पाउडर, फाइन पाउडर, इंसफलेशन एंड डेंटिफ्राइजेस। फर्स्ट देखते हैं यूनिट सॉलिड डोसेज फॉर्म में टैबलेट्स। टैबलेट्स आर यूनिट सॉलिड डोसेज फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ एक्टिव इन्ग्रीडियंट एंड सुटेबल फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट। टैबलेट मे वेरी इन साइज, शेप, वेट, हार्डनेस, थिकनेस एंड इन अदर एस्पेक्ट्स। टैबलेट्स एक बार में एक लिए जाते हैं, इसलिए टैबलेट यूनिट सॉलिड डोसेज फॉर्म में आते हैं। टैबलेट में होते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट मींस एपीआई एंड फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स। टैबलेट्स अलग अलग साइज, शेप, वेट एंड हार्डनेस की होती है। नाउअडेज टैबलेट आर यूज्ड अ लॉट। नाउ अब हम देखेंगे कैप्सूल। कैप्सूल आर यूनिट सॉलिड डोसेज फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ जेलेटिन शेल that breaks open after the capsule has been swallowed. There are two types of capsule, hard gelatin capsule and soft gelatin capsule. Capsule unit solid dosage form में आती है। इनकी outer covering जो होती है capsule की, वो gelatin shell की बनी होती है। जब हम capsule को पानी के साथ लेते हैं तो body के अंदर जाने के बाद capsule की covering dissolve हो जाती है। After dissolving, medicine body में release होती है। कैप्सूल दो तरह की होती है, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल एंड हार्ड जेलेटिन कैप्सूल। अब हम देखेंगे पाउडर। पाउडर्स आर यूनिट सॉलिड डोसेज फॉर्म मींट फॉर वन टाइम यूज। पाउडर यूनिट सॉलिड डोसेज फॉर्म में आते हैं और पाउडर को एक ही बार में लिया जाता है। एग्जांपल है इनो पाउडर। नाउ अब हम देखेंगे पिल्स। पिल्स आर स्मॉल राउंडेड सॉलिड डोसेज फॉर्म कंटेनिंग मेडिकामेंट इंटेंडेड फॉर ओरल यूज। पिल्स आर रेयरली यूज नाउअडेज। पिल्स स्मॉल राउंडेड सॉलिड डोसेज फॉर्म होते हैं, ये बहुत कम यूज होते हैं नाउअडेज। इनकी जगह टैबलेट और कैप्सूल बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। नाउ अब हम देखेंगे बल्क सॉलिड डोसेज फॉर्म। इसमें आते हैं पाउडर, इंसफलेशन एंड डेंटिफ्राइजेस। फर्स्ट हम देखेंगे पाउडर। पाउडर आर फाइनली डिवाइडेड सॉलिड ड्रग्स और मिक्सचर ऑफ ड्रग फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज। पाउडर फाइनली डिवाइडेड सॉलिड ड्रग होते हैं और मिक्सचर ऑफ ड्रग होते हैं और इनको इंटरनली और एक्सटर्नली यूज किया जाता है। एग्जाम्पल में आते हैं डस्टिंग पाउडर, ग्रेन्यूल्स एंड सैचेट्स। नाउ कमिंग टू इंसफलेशन। इंसफलेशन इज द एक्ट ऑफ ब्लोइंग समथिंग सच एज गैस और वेपर इनटू अ बॉडी कैविटी। इंसफलेशन को ब्लो किया जाता है बॉडी की किसी भी कैविटी में। नाउ अब देखते हैं डेंटिफ्राइजेस। डेंटिफ्राइजेस इंक्लूडिंग टूथ पाउडर एंड टूथपेस्ट। दीज आर एजेंट यूज्ड अलॉन्ग विद टूथब्रश टू क्लीन एंड पॉलिश नेचुरल टीथ। नाउ कमिंग टू द लिक्विड डोसेज फॉर्म। There are two classes of liquid dosage form, monophasic liquid dosage form and biphasic liquid dosage form. Monophasic liquid dosage form में आते हैं syrup, elixir, linctus and drop and biphasic liquid dosage form में आते हैं emulsion and suspension. Now अब देखते हैं monophasic liquid dosage form में first syrup. Syrup do not contain alcohol and these are concentrated solution of sugar and water. Syrup में alcohol present नहीं होता है base की तरह। सिरप कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है शुगर, वाटर और फ्लेवरिंग एजेंट का। सिरप स्वीट होते हैं एंड मोर विस्कस होते हैं देन एलिक्सर। नाउ अब देखते हैं एलिक्सर। एलिक्सर आर सॉल्यूशन दैट कंटेन अल्कोहल एंड वाटर बेस। शुगर एंड फ्लेवरिंग एजेंट आर कॉमनली यूज्ड इन पेडियाट्रिक एंड ओल्ड एज पीपल हु हैव डिफिकल्टी इन टैबलेट स्वेलोइंग। देन लिंक्टस। लिंक्टस आर थिक लिक्विड मेडिसिन स्पेशली यूज्ड फॉर ड्राई कफ। लिंक्टस थिक लिक्विड मेडिसिन होती है और ये स्पेशली यूज होते हैं फॉर ड्राई कफ। नाउ कमिंग टू ड्रॉप्स। ड्रॉप्स इज वन ऑफ द टाइप ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग वन और मोर सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट। ड्रॉप सॉल्यूशन होते हैं जिसको प्रिपेयर किया जाता है एक से ज्यादा सॉल्यूट को आपस में डिसॉल्व करके। सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है तो सॉल्यूशन बनता है जिसको हम ड्रॉप्स कहते हैं। ड्रॉप्स की एग्जांपल में आते हैं आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, ओरल ड्रॉप्स एंड नेसल ड्रॉप्स। नाउ कमिंग टू बायफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। बायफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म आर क्लासिफाइड इन टू क्लासेस, इमल्शन एंड सस्पेंशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इमल्शन। इमल्शन आर बायफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। इमल्शन आर डिस्पर्जन सिस्टम
कंटेनिंग टू इमिसिबल लिक्विड एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमल्शन, ऑयल इन वाटर इमल्शन एंड वाटर इन ऑयल इमल्शन। इमल्शन बायोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म होते हैं। इमल्शन एक तरह का डिस्पर्जन सिस्टम होता है जिसमें टू इमिसिबल लिक्विड होते हैं। उसके दो टाइप्स होते हैं, ऑयल इन वाटर इमल्शन एंड वाटर इन ऑयल इमल्शन। एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन इज कोड लिवर ऑयल इमल्शन। अब देखते हैं बायोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म में सस्पेंशन। सस्पेंशन आर हेटरोजीनियस बायोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। सस्पेंशन आर डिस्पर्जन सिस्टम इन विच सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड फेस। सस्पेंशन हेटरोजीनियस बायोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म होते हैं। सस्पेंशन एक तरह का डिस्पर्जन सिस्टम होता है जिसमें सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स किए जाते हैं इनटू लिक्विड फेस। एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन इज मोस्ट ऑफ द इंजेक्शंस। नाउ कमिंग टू द सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म यूज्ड इंटरनली एंड एक्सटर्नली। फॉर इंटरनल यूज, इंटरनल यूज के लिए होते हैं सपोजिटरीज एंड पेसरीज। फर्स्ट हम देखेंगे सपोजिटरीज। सपोजिटरीज आर स्मॉल राउंड और कोन शेप ऑब्जेक्ट दैट यू पुट इन योर बॉडी, ऑफन इन टू योर बॉटम। वंस इट इनसाइड इट मेल्स और डिजॉल्व एंड रिलीज इट्स मेडिकेशन। सपोजिटरीज स्मॉल राउंड और कोन शेप्ड ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको बॉडी कैविटी में डाला जाता है, स्पेशली जो बॉटम पार्ट होता है उनमें डाला जाता है। जब ये बॉडी में इंटर करती है तो ये मेल्ट हो जाती है और धीरे धीरे मेडिसिन रिलीज होती है और अपना एक्शन शो करती है। नाउ अब देखते हैं पेसरीज। पेसरीज आर स्मॉल सॉल्युबल ब्लॉक दैट इज इंसर्टेड इन टू द वजाइना टू ट्रीट इन्फेक्शंस। देन एक्सटर्नल यूज के लिए होते हैं ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट एंड जेलिस। फर्स्ट देखते हैं ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट्स आर ऑयल बेस्ड प्रिपरेशन दैट इज अप्लाइड टू द स्किन और म्यूकोसा मेम्ब्रेन। ऑइंटमेंट ऑयल बेस्ड प्रिपरेशन होती है जिनको अप्लाई किया जाता है स्किन और म्यूकोसा मेम्ब्रेन पर। देन सेकंड है क्रीम्स। अ क्रीम इज अ प्रिपरेशन ऑफ अ मेडिकेशन फॉर टॉपिकल यूज। देन थर्ड है पेस्ट। पेस्ट आर सेमी सॉलिड प्रिपरेशन कंटेनिंग वन और मोर ड्रग सब्सटेंस फॉर टॉपिकल एप्लीकेशन कंटेन हाई अमाउंट ऑफ सॉलिड देन ऑइंटमेंट। नाउ कमिंग टू द अदर क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म। अदर क्लासिफिकेशन में होते हैं इनहेलर और एरिसोल्स। फर्स्ट है इनहेलर्स। इनहेलर आर फाइनली पाउडर ड्रग सब्सटेंस सॉल्यूशन और सस्पेंशन ऑफ ड्रग सब्सटेंस एडमिनिस्टर्ड बाय नसल और ओरल रूट्स। इनहेलर फाइनली पाउडर ड्रग सब्सटेंस होते हैं और इनहेलर सॉल्यूशन और सस्पेंशन किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं जिनको एडमिनिस्टर किया जाता है बाय नसल और ओरल रूट्स। अब देखते हैं एरोसोल्स। एरोसोल्स आर प्रिपरेशन इन विच द प्रोडक्ट इज पैक्ड इन अ प्रेशराइज कंटेनर फॉर यूज्ड ऑफ परफ्यूम्स, रिलीफ ऑफ इरिटेशन एंड बाइट्स। इन दिस वे वी हैव कवर्ड द ओवरऑल क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म विद देयर एग्जाम्पल्स।